नहीं कि एनएचपीसी शेयर को लेकर। पूछिए आपका क्या सवाल है। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी, बुराड़ी से। मेरे पास सर 100 शेयर हैं एनएचपीसी के। ठीक है। 50 शेयर मैंने 92 के हिसाब से ले रखे हैं और 50 82 के हिसाब से लिए हैं। ठीक। तो मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ सर, मुझे स्टे करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रैश होने वाला है, 78 के अराउंड रह जाएगा। ठीक है, तो ठीक वही चीज जस्ट पूछना था सर। चलिए, तो आदित्य मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है अंकुर का। एनएचपीसी के स्टॉक इनके पास हैं, 50 शेयर इन्होंने 92 रुपए यानी 92 के भाव पे लिए हुए हैं और 50 शेयर इन्होंने 82 रुपए 82 के भाव पे लिया हुआ है। जरा बताएं, इनका थोड़ा सा कॉशस है, बहुत सारा जो मार्केट में नैरेटिव चल रहा है उसे लेकर थोड़ी चिंता इनमें बनी हुई है। एनएचपीसी पर इन दोनों ही नजरियों से जरा बताइए। बिल्कुल, जो हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनकी क्वेरी काफ़ी जेन्युइन है, क्योंकि अगर आप देखें तो 5 फेब को इसका भाव चल रहा था 116 और बाद में अगर आप देखें 12 फेब को तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट नीचे उतर के 81 आ गया था, तो 77 आ गया था। तो बिल्कुल स्टॉक में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप उसका अगर एवरेज निकाले तो बहुत बड़ा प्राइस बैंड भी बनता है। अगर मैं ओवरऑल व्यू लूँ मार्केट का और स्टॉक का व्यू लूँ तो मुझे लगता है कि बेरिश व्यू चल रहा है मार्केट का, और साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये लंबी चौड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है 115 से लेके 77, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट तभी आ सकती है जब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, शॉर्ट क्रिएशन हो सिस्टम में, तो ही इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। इसलिए बहुत टाइम स्टॉक लेगा ये लेवल निकालने के लिए, 105 110 115 काफ़ी टाइम लेगा स्टॉक, फिर नेक्स्ट इसका मूव चालू होगा। तो इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसमें से अभी निकल सकते हैं और नीचे के लेवल देखे जा सकते हैं जो है 80 और 75, अगर हम 1-2 महीने का व्यू ले तो। मेरा व्यू इसमें न्यूट्रल टू बेरिश रहेगा। ठीक है, तो नजरिया न्यूट्रल टू बेरिश, लेकिन आप याद रखिए कि यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह इसकी वॉलेटाइल नेचर की वजह से आदित्य जी की तरफ से मिलती हुई। 80 और 75 ये जो स्तर हैं इस पर नजर रखिए और उस हिसाब से फिर एक बार स्टॉक को रिव्यू किया जा सकता है।